अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही सोया चिली। ये सोया चिली बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत कम टाइम में बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये बहुत हाई इन प्रोटीन है, विटामिन सी भी इसमें होता है, बहुत आयरन भी होता है। इस वजह से आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक खाना ही चाहिए। वीक में दो बार आप इसे ज़रूर बनाएं। और एक ही तरीके की सब्ज़ी खा के बहुत मन भी उब जाता है, इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बना के खा सकते हैं। मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी की भी वीडियो डाली है, आप उसे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं और इस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ईजी बनता है और टेस्ट भी हटके होता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसकी रेसिपी की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हमें सोयाबीन को एक बाउल में निकाल लेना है और आप अंदाज से निकाल लीजिए, आपको जितना बनाना है वो ले लें और 5-6 पानी से उसे वॉश कर लें। सोयाबीन में एक रॉ सी स्मेल होती है, इस वजह से आपको इसे एटलीस्ट 5-6 पानी से वॉश करना चाहिए। इसे वॉश करने के बाद थोड़े देर, कम से कम 2 मिनट आपको भिगो के थोड़ी देर छोड़ देना और उसके बाद फिर आपको बॉईल करना। जब तक आप बॉईल नहीं करते इसकी रॉ स्मेल नहीं जाती है और बॉईल के बाद भी हमें इसे 2-3 बार वॉश अच्छे से करना पड़ता है। तो मैंने एक पतीले में इसे डाल दिया है, लेवल में पानी रखा है, हाई फ्लेम पे बॉईल के लिए डाल देंगे एटलीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। तब तक के लिए मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने इस स्पून के साइज़ से 2.5 स्पून मैदा लिया है और फिर छोटे वाले टीस्पून से मैंने 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना, ये स्पून की साइज़ आप देखिए, इसी स्पून से मैंने 1.5 चम्मच लिया। उसके बाद 1/2 स्पून इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, कश्मीर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो यूज़ में होता है ना रेड चिली पाउडर वो ऐड किया है। उसके बाद 1/2 गोल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून ज़ीरा पाउडर और गर्म मसाले ऐड कर देंगे, 1/2 से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि हम लोग जब इसकी फुल प्रोसेस रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 आपको डालना है और 1/2 स्पून नमक, नमक आपको यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा सा और पकने के टाइम भी, इसलिए नमक को डिवीज़न में कर दें और ऐड करें। फिर हम लोग टोमेटो सॉस ले लेंगे और एट लास्ट ऑल टाइम फेवरेट मसाला मैजिक, मैगी मसाला। तो ये ऐड करने के बाद हमें एक अंडे को डाल देना है फोर के और इसे स्टर करेंगे आप स्पीड में कंटिन्यूसली ताकि कोई लम्स फॉर्म ना हो। इस तरीके से आपको मैरिनेशन के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि इसमें मैंने एग डाला है तो थोड़ा स्टिकी सा लगेगा और इसे कंटिन्यूसली मिलाने में भी थोड़ा सा लगेगा स्टिकी, बट आप जब स्पीड में इसे मिला लेंगे ना तो ये एक टेक्सचर में सेट हो जाएगी। इस तरीके से मैंने स्पून से किया, फॉक की हेल्प से किया है, आप स्पून फॉक किसी से भी कर सकते हैं। ये थोड़े देर में अच्छे से मिक्स हो जाता है, आप ये टेक्सचर देख सकते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स हम इसे इसी तरीके से ढक के रख देंगे। और जब तक मेरा सोयाबीन भी हो चुका है, मैंने देख लिया सोयाबीन रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्ज़ी को अरेंज कर लेंगे। सब्ज़ी जब तक हम लोग निकाल के थोड़ा वॉश कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कैप्सिकम, 1 टमाटर, 2 प्याज और 3-4 हरी मिर्च। आपके पास कैप्सिकम अगर और भी कलर्स में है, येलो और रेड वाले, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही था तो सिर्फ यही कैप्सिकम। सबको अच्छे से वॉश कर लेना है, कुछ इस तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके एक साइड में सबको अरेंज कर देंगे। प्याज को मैंने छील लिया, प्याज को 2 तरीके से मैं कट करूँगी, तो प्याज और मिर्च को भी निकाल के एक साइड रख लेंगे। और उसके बाद हम लोगों को जिंजर गार्लिक का भी यूज़ करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, जो ग्रेवी रेडी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसकी कटिंग चॉपिंग कर ले रहे हैं। आप हरी मिर्च को किसी भी वे में कट्स कर सकते हैं, बीच से भी आप कट्स लगा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से किया है। और उसके बाद फिर बारी बारी से सारे सब्ज़ियों को काट लेंगे कुछ इस तरीके से। Thank you.
जिंजर गार्लिक भी मैंने ले लिया है। जिंजर गार्लिक को इस तरह के छुड़ा लेना है आपको, और इसके जो छिलके होते हैं ना उसे भी रिमूव करना है, और सबको अच्छे से स्लाइस में फाइनली चॉप कट कर लेना है। इस तरीके से हमें करना है। ग्रेवी में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे इस तरीके से। और मैंने ये सोयाबीन को वॉश कर लिया है बॉईल होने के बाद, और इसके पानी को 3-4 धोने के बाद भी देखिए मैंने इस तरीके से निचोड़ा है, तो कुछ इस तरीके से इसके पानी भी आ रहे हैं। तो फिर से मैंने इसे वॉश किया, और लास्ट होते होते जब पानी पूरा क्लीन हो गया है तो फिर मैंने इसे मैरिनेशन के लिए डाल दिया है। जो बैटर मैंने रेडी करके रखा था उसमें सारे सोयाबीन को अच्छे से मिला के, और उसके बाद इसे एटलीस्ट फॉर 1 आवर, अगर ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 1 घंटे के लिए फ्रिज में या बाहर भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, और 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा, और मिक्स करने के बाद हमें इसे फ्राई करना है, इस वजह से इसका सेट होना ज़रूरी है। तो मैंने मिक्स करके और बाकी के जो सब्ज़ी के सॉटे के काम है ना उसे कर लूँगी जब तक इसे मिक्स करके मैंने फ्रिज में डाल दिया। स्पून से इसे अच्छे से आपको मिला लेना है पूरे को, और साइड के मसाले भी इस तरीके से आप फिंगर से क्लीन करके और कवर अप करके फ्रीज़र में डाल दें। अब सॉटे की बारी है, तो सरसों ऑयल डाल के उसमें हम लोग ज़ीरा ऐड कर देंगे, और कटी हुई जो हमारी सब्ज़ी है तो सबसे पहले हम लोग प्याज ऐड करेंगे इस कढ़ाई में। अभी मैंने चूड़ा फ्राई किया था, सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया, ऑलरेडी मैंने अभी यूज़ किया था तो वो क्लीन ही था, उसी में मैंने सॉटे के लिए सारे प्याज को ऐड कर दिए। प्याज को 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे सॉटे करने के बाद मैंने सारे कैप्सिकम को ऐड कर दिया है। कैप्सिकम को 2-3 बार ऐसे चला लेंगे, और हाई फ्लेम पे ही रहेगा तो हम लोग ग्रीन चिल्ली जो है वो ऐड कर देंगे, फिर उसे 2-3 बार इस तरीके से सॉटे करेंगे। और ये टमाटर भी ऐड कर दिया मैंने, और अदर हैंड दूसरे कढ़ाई में मैरिनेशन को 1 घंटा हो चुका था तो मैंने तेल गरम कर दिया है, और उसके बाद ये जो हमारे सोयाबीन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसे बारी बारी से ऐड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन को फ्राई कर सकते हैं, बट उसमें ऑयल भी ज़्यादा लगेगा और वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा। तो एक बार में ऑयल डाल के और आप इस पूरे को एक बार में आप फ्राई कर ले। एक बार में मैंने ऑयल डाला और पूरे को डाल दिया, और ये अच्छे से हो भी जाएगा, बशर्ते आपकी कढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी है, इसमें स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होता, तो मैंने उसमें डाल दिया। अदर हैंड मैंने इस सब्ज़ी को भी स्टर कर दिया है, ये भी धीमी आंच पे पक रही है। मैंने हाई फ्लेम करके सारे सब्ज़ी ऐड किए थे, बट धीमी आंच पे इसे पका के और अब इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चापन रहता है तो ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, खास करके कैप्सिकम एंड अनियन, इसमें थोड़ा मतलब कच्ची टेस्ट रहे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस पॉइंट पे मैंने सारे सब्ज़ी को निकाल लिया। हमारा सोयाबीन भी फ्राई हो रहा है, उसे भी बीच बीच में मैं स्टर कर दे रही हूँ। स्टिकी इस कढ़ाई में वो नहीं होगा, बट एक साइड का ज़्यादा पक जाएगा, इस वजह से बीच बीच में इसे स्टर करना है। फिर जिस कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी सॉटे किया था ना, सेम कढ़ाई में ऑयल ऐड करके और जिंजर गार्लिक जो मैंने कट करके रखा है उसे ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही रख के आप इसे स्टर करें, हाई फ्लेम पे ये है। तो तब तक मैंने जो प्याज कट करके रखे थे ना वो प्याज को भी इसमें ऐड कर देंगे, जो फाइन चॉप प्याज था ना उसे ऐड करेंगे। ऑलरेडी जो रफली चॉप किया था क्यूब शेप में उसको मैंने सॉटे किया है, ये कटिंग वाले प्याज को इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे, स्टर करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे भी नहीं पकाना, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, इसी पॉइंट पे इस तरीके से स्टर करते करते इस धीमी आँच पे छोड़ देंगे। तब तक हम लोग सोयाबीन चेक कर लेंगे, ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बहुत ईजिली फ्राई हो रहा है, गोल्डन पे होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इसमें एग है तो उसे अच्छे से पकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एग की स्मेल ना हो, तो मैंने इसे स्टर कर दिया है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप एग को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप दही ऐड कर दीजिए, दोनों का एक ही काम होगा, तो आप दही ऐड कर सकते हैं, बट एग ऐड कर दे रहे तो उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको बीच बीच में मैंने स्टर कर दिया है, और उसके बाद इसमें सॉस ऐड करेंगे। मैंने सोया सॉस लिया, उसके बाद मैंने टोमेटो सॉस ऐड किया है, थोड़ा सा चिल्ली सॉस ऐड किया है। आपके पास सेज़वान चटनी है तो आप वो भी ऐड करें, इसके अलावा भी आपके पास अदर सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसे ऐड कर दिया, और जो हमारी सॉटे की हुई सब्ज़ी है उसे भी ऐड कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी पूरी तरीके से पकी नहीं है। तो इस सॉस वाले मसाले में हम लोग इसे थोड़ा सा पकाएंगे, उसको ऐड कर देंगे, और अब मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 1 स्पून यहाँ पे रेड चिल्ली डाला है, 1 स्पून मैंने धनिया, 1/2 स्पून गोल मिर्च, 1/2 स्पून ज़ीरा पाउडर, मैगी मसाला। और मैगी मसाला को 3 डिवीज़न करके मैंने किया था, 1 पैकेट मैगी मसाला लिया था, मैरिनेशन के टाइम थोड़े से डाले, इस पॉइंट पे थोड़े सा डाले, एंड एट लास्ट मैं थोड़ा सा डालूँगी सॉल्ट ऐड करके, इसे स्टर करके और हल्का पानी डाल के आप इसे
ढक दें। सॉल्ट आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्ट को भी दो डिवीज़न में डालना है, एक मैरिनेशन के टाइम और एक इस पॉइंट पे, तो ज़्यादा कम ना हो इस वजह से आप चेक कर लें। और हमारा सोयाबीन फ्राई हो चुका है, तो सारे सोयाबीन को इसमें भी हम रख के पकाएंगे। तो मैंने जैसे मसाला सॉस ऐड किया था, वैसे ही मैंने सॉटे की हुई सब्ज़ी ऐड की। सब्ज़ी में जैसे सॉस मिला के सबको किया, वैसे ही मैंने सोयाबीन कर दिया और उसे स्टर करके धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। फिर मीडियम आंच करके उसमें हल्का पानी ऐड करके कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। और मैगी मसाला, मैंने तीन रिवीजन में बताया था कि मैगी मसाला यूज़ करेंगे। एक पैकेट मैगी मसाला को मैंने तीन बार तीन स्टेप में यूज़ किया है, उससे टेस्ट बहुत बढ़ता है। फिर हल्का सा पानी रख के और धीमी आंच पे मैं करके इसे छोड़ दूंगी और सब्ज़ी खुद ब खुद पक जाएगी, 5 मिनट बस। और इससे हम लोग जो भी साइड के मसाले उसे मिक्स कर देंगे। ये हल्का पानी डाला, ज़्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना, हल्का, ताकि वो स्टिकी ना हो। और कुछ इस तरीके से आपको मिला लेना और ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। इसे सर्व कर लेंगे, निकालेंगे, बहुत ईजी प्रोसेस है। एक मैरिनेशन का सब्ज़ी सॉटे करें, तेल में आपको प्याज रखना है, सारे सॉस ऐड करना है, जिंजर गार्लिक डाल के सॉस ऐड करके मिक्स कर लेना है। और जो हमारे फ्राई किए हुए सोयाबीन है उसे ऐड कर देना है, मिला लेना है मैगी मसाला डालकर। और ये हमारी सब्ज़ी रेडी है, मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत कम टाइम में बनती है। बस आपको मैरिनेशन आप चाहे तो शाम में भी कर सकते हैं, और आप खाने के टाइम इसे फटाफट बना ले, बहुत जल्द बन जाता है। तो ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। लास्ट की कोरिएंडर लीव्स से मैंने गार्निश कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।